नमस्कार, TTN24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आ रही है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज नगर पालिका द्वारा मुख्य सड़क मार्ग से अटल उत्कृष्ट स्वामी सच्चिदानंद राजकीय इंटर कॉलेज तक निर्मित की गई CC सड़क मार्ग तक GGIC का औचक निरीक्षण कर निर्मित सड़क मार्ग व शिक्षा की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आपको बता दें कि CC सड़क मार्ग का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिया कि CC नगर पार्क के किनारे रैलिंग एवं नाली निर्माण का कार्य तत्परता से निश्चित कराया जाए। इसके साथ ही रैलिंग पर पेंट का कार्य भी तत्परता से किया जाए। उन्होंने सड़क की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए इसकी निरंतर तराई का कार्य भी सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने ये बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिससे कि उसकी मजबूती बेहतर हो सके, इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिका को GIC कॉलेज के पास रेलिंग लगाने एवं बेहतर साफ सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए। पर्यटक स्थल है हमारा जनपद और विभिन्न प्रदेशों से, अन्य जगहों से पर्यटक आते हैं, तो निश्चित तौर पर एक शहर की एक सुंदरता भी बनी रहनी चाहिए। और साथ ही कोई भी सरकारी बिल्डिंग पे, वैसे भी सरकारी प्रॉपर्टी पे प्राइवेट बैनर पोस्टर या फिर जो सड़क का जो RoW होता है उस पर कोई होर्डिंग बैनर आदि, जिससे सड़क दुर्घटना होने के चांसेस हो सकते हैं। कई जगह जो हम साइनेज लगाते हैं डायरेक्शंस के या पुलिस विभाग द्वारा लगाए जाते हैं, उसके ऊपर भी बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि पता ही नहीं चलता है यात्रियों को कि कहाँ जाना है या फिर क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो ये सब के बारे में समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और फिर पुनः सभी नगर निकाय को कहा गया है कि आप अपने शहर का पूरी साफ सफाई करें, बिजली के खंभों पे, रेलिंग्स पे या फिर ब्रिजेस पे या फिर अन्य जो हमारे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टर्स हैं, साइनेजेस हैं, उनको क्लियर रखें। और जो भी प्राइवेट लोग इस पर लगा रहे हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई भी करें।